Say something. Say something. Hello. Finish कर दिया है. Secret. Very good. But मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूँगी. बहुत अच्छी बुक है. दो चार बार और पढ़ लेना. चटनी. सांबर. अरे कपड़ा दो यार. वाह 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 इडली. इडली सांबर और चटनी. ग्रीन टी लेके आए. ग्रीन टी पियेंगे. ठीक है ग्रीन टी लेके आओ भाई हमारी ग्रीन टी. अबे लिप्टन दी चाय है ये. मैंने वो कर लिए. सुबह ये पियेंगे और शाम को ये पियेंगे. सुबह ये पियेंगे हम और शाम को. और शाम को पियेंगे ये. अब वो तो नॉर्मल टी हम लोगों ने बंद कर दी है. आज पियेंगे. आज पियेंगे संडे है. कल चलो मेरे को फटाफट बना के दो. फटाफट बिल्कुल फुर्ती. खुशबू बड़ी सही आ रही है ना. अनारदाने डाले हुए हैं. इसमें वो नहीं डाला. शहद नहीं डाला क्या? नहीं. मैंने तो सुबह पिया तो यार. हाँ जी इडली रेडी हो गई है. ये देखिए मस्त एकदम. सांबर ये जो चटनी है ना ये वाली डिट्टो मोमोज वाली चटनी लगती है. मोमोज वाली हाँ मेरे को बड़ी मस्त लगती है चटनी यार. ये ना वाली वो नहीं डालते इसमें. चावल नहीं डालते बिल्कुल. नहीं नहीं. नाइट व्यू हमारे यहाँ. नीचे का व्यू तो आपने देखा है. अपार्टमेंट जो सामने है ये हम लोगों का अपार्टमेंट है जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके सामने है. क्या नाम है रिश्ता? कीर्तन ही रिश्ता. अब ये देख रहे हैं ये वाला अपार्टमेंट. ये है वी मास्क. ये जो नई बिल्डिंग आ रही है भूत बंगले टाइप की बिल्कुल अंधेरा. ये बहुत बढ़िया बन रही है. ये एस एल वी ग्रुप की है. हाँ बहुत बढ़िया. इन्होंने यहाँ पूरा पूल वूल बहुत बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे और बढ़िया बनेगी. आइए उस तरफ से दिखाता हूँ आपको मैं. ये जो तार लगे हुए दिख रहे हैं कुछ कपड़े सूख रहे हैं. दिखाया ये वाला वही वाला अपार्टमेंट है वी मास्क. ये बड़े वाले अपार्टमेंट का मुझे अभी तक नाम नहीं पता चला. शायद ये रोज़वे का ही पार्ट है ये नहीं पता. ये वाला जो अपार्टमेंट है ये रोज़वे अपार्टमेंट है. ठीक है ये वाला रोज भी अपार्टमेंट है. ये भी अच्छा है ना. और वो रोड से हम आए थे. पूरा कीचड़ कीचड़ रोड हो रखा है. ये पूरा आगे तक ऐसा ही है. हाल पूरा ख़राब है फिलहाल. और हम उसी उम्मीद में हैं कि ये ठीक हो जाएगा बहुत जल्द. ये वो जो दिख रहा है आपको मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके. वो जो ऊपर वाला अपार्टमेंट है ना ये वो है महिंद्रा अपार्टमेंट. महिंद्रा वालों का वो जो एक आपको ऊपर टॉप पे लाइट दिख रही है वो एसएलवी वालों का. ये एसएलवी जो मैं आपको दिखाया अभी ये शायद सेम ग्रुप का ही है. बिल्कुल अंधेरा हो गया यार. हाँ तो ये सेम है. अब आप देखेंगे पूरे चारों तरफ यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है. चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है. ठीक है इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डाउनटाउन एरिया तो कह ही सकते हैं बेंगलोर का. लेकिन एक्चुअली मैं है नहीं ये. और ये जो ये इलाका है ना अभी ये खाली है. बस इतना सा जगह खाली है. ये अगर मैं वहाँ नहीं जा पाता तो जहाँ मैं आपको सुबह अभी लेके गया था मंदिर के साइड वहाँ पे अगर हम लोग नहीं जा पाते तो मैं यहाँ पे यूजली आके वॉक करता हूँ. सिर्फ एक या दो घंटे के लिए धूप आती है पूरे दिन में. लगभग हजारों लोग रहते होंगे. अब हम नीचे जा रहे हैं. अंधेरा कायम रहे तमराज किलवेश. सफेद साड़ी वाड़ी चुड़ैल है ऊपर. सफेद साड़ी वाड़ी चुड़ैल उल्टे पैर है उसके. किसके? चुड़ैल के. अच्छा। और क्या आपने देखी है? मैंने देखी नहीं है लेकिन है. जितनी तेज गई थी गेंद
आउट हो गया यादव, बढ़िया खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग भी बहुत खराब कराई। मैं बता रहा हूँ ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी, क्योंकि इसमें पिच का झोल लग रहा है मेरे को। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग बहुत खराब की है, लेकिन मेरे को पक्का पता है ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी। क्विंटन डिकॉक या माक्रम कोई तो पहले का आज इंडिया, देख लो आपका स्कोर जिस हिसाब ये आउट हुआ है ना उसी टाइम बता रहा हूँ आपको, टाइम देख लो चाहे अभी 8:30 हुआ है, देखो अभी जा रहा है 209। ठीक है, लाइव आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका जीतेगी, स्कोर ये ज़्यादा से ज़्यादा 228 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 228 से 230 पर। प्रिडिक्शन खराब हो गई यार, 7 रन ज्यादा मार दिए उन्होंने, लगभग 7 से 8 रन ज्यादा मार दिए जितना सोचा था। चलो देखते हैं साउथ अफ्रीका को, जैसे मैंने बोला कि जीतेगी, अब आप देखो जीतेगी कि नहीं जीतेगी, बट मुझे लग रहा है जीतेगी। आज स्कोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका लड़ेगी, जीत गई कल अपनी साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया खेली, मिलर ने धुआं बना दिया इंडिया का, इतना बड़ा रन चेस के बाद भी सिर्फ 16 रन थे। प्रिडिक्शन गलत हो गया मानता हूँ, लेकिन ठीक है, जीत जाती तो बढ़िया होता, एक एक बराबरी होता, फाइनल में और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलो ठीक है।